और नीचे एम है, एम सी एन वाला फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब यहां से देखें जी, यहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला खोल दिया। अब उसके बाद कुछ थ्योरी लिखी हुई है हमारे पास, वेयर द सम एक्सटेंड ओवरऑल एन सी एन सैंपल टू वैल्यूएट दिस सम वी फाइंड आउट इन हाउ मैनी सैंपल एनी स्पेसिफिक वैल्यू वाई आई अपेयर्स सिंस देयर आर एन माइनस वन अदर यूनिट अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द सैंपल एंड स्मॉल एन माइनस वन अदर प्लेस टू फिल इन द सैंपल द नंबर ऑफ सैंपल्स कंटेनिंग वाई आई इज इक्वल टू एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लोग समेशन वाई आई इज इक्वल वन टू एम वाई वन वाई टू अप टू सो ऑन वाई एन, कैपिटल एन की जगह पर जब हम लोग करेंगे कैपिटल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन सी स्मॉल एन माइनस वन इंटू वाई वन वाई टू अप टू सो ऑन वाई एन, तो हम लोग इस वाली पूरी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर वन में, जो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला बनाया था उसमें हमने जब पुट किया एन सी एन इसकी जगह पे, ये एन हमारे पास वाई बार वाला है और ये एन सी एन हमारे पास एम वाला है। अब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला जब खोला वो क्या होगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर स्मॉल एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन का फैक्टोरियल, एन माइनस एन, एन माइनस एन से कैंसिल आउट, एन माइनस वन वन से कैंसिल आउट, उसके बाद हमारे पास जी यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन फैक्टोरियल है, तो हम लोग क्या करेंगे जी एन माइनस वन फैक्टोरियल खोल दिया, इसका भी फैक्टोरियल खोलेंगे तो यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एन माइनस टू बच जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बचेगी, सॉरी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल टर्म हमारे पास क्या बचेगी वाई और यहाँ से एन जो कि हमारे पास क्या है कैपिटल वाई बार, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया हमारे पास कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू वाई बार, हेंस वाई बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट यदि हमारे पास